दीपक भैया, पिछले 2 साल से गन्ने की फसल उगा रहा हूँ, मगर पहले साल के मुकाबले जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। इस पर कोई तोड़ बताओ। पापा, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ? हाँ हाँ बताओ। आपको उसी जमीन पर सब्जी की फसल जैसी और एक फसल लेनी होगी। फसल में बदलाव करते रहने से जमीन को पोषण मिलते रहता है और जमीन की गुणवत्ता में सुधार होता है। फिर अगले साल देखना, गन्ने की अच्छी फसल मिलेगी। शत प्रतिशत सही सुझाव। पापा, मैं खेत जा रहा हूँ। मैं भी आज सूरज के साथ जरा घूम कर आता हूँ। सूरज, सूरज। अरे नरेश, कितने दिनों बाद, कैसे हो? आज एक खास काम से आया। मैं तुम्हारे परिवार की खेती में किए तरक्की का राज जानना चाहता हूँ। इस हरे भरे खेतों के पीछे का राज है जॉन डियर के साथ मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल। मतलब खेती में मैकेनाइजेशन से समय की बचत और सटीकता से काम होते हैं। वो कैसे? ये है जॉन डियर ट्रैक्टर। इसने कई साल पापा का साथ दिया है और अब मेरा हाथ बटाने के लिए भी तैयार है। इन सालों में इसमें कभी कोई तकनीकी खराबी नहीं आई। दिखने में तो ये सही में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या इतने सालों से इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही दमदार है? हाँ, तुम्हें तो याद होगा जब मेरे पापा ने ये जमीन ली थी तब ये कितनी उबड़ खबड़ थी। फिर यहाँ जॉन डियर का ट्रैक्टर, लोडर, डोजर और लेवलर चले और जैसे चमत्कार हो गया। हाँ सूरज, उबड़ खाबड़ जमीन से सुनहरे खेतों का सफर मैंने भी देखा है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ जॉन डियर इतने पावरफुल ट्रैक्टर बनाता कैसे है? हाँ बिल्कुल, बताओ सूरज, बताओ बताओ। जॉन डियर ट्रैक्टर बनते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री में, जहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोसेस, मटेरियल और पेंट का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ये ट्रैक्टर सालों नए जैसे दिखते हैं और इसके पावरफुल इंजन की वजह से बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देते हैं। इसी कारण कई सालों बाद भी जॉन डियर के ट्रैक्टर से रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। सामान्य ट्रैक्टर्स की जॉन डियर ट्रैक्टर से कोई तुलना नहीं हो सकती। सामान्य ट्रैक्टर्स की बार बार सर्विसिंग करने पर भी उनमें लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती है। कभी गियर बॉक्स खराब होना तो कभी इंजन की मरम्मत, हर बार स्पेयर पार्ट्स के लिए सर्विस स्टेशन जाना। साधारण क्वालिटी और मटेरियल की वजह से ट्रैक्टर बार बार ब्रेकडाउन होता है, मगर जॉन डियर ट्रैक्टर की सर्विसिंग का ध्यान रखोगे तो ये ट्रैक्टर तुम्हें शिकायत की कोई वजह नहीं देगा। और तो और, इसके स्पेयर पार्ट्स भी तुम ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे। सही बात कही तुमने, हम तो परेशान हो गए हैं बार बार ट्रैक्टर के बंद होने से। मेरा ट्रैक्टर खेती में कम और सर्विस स्टेशन में ज्यादा रहता है, बार बार सर्विसिंग पर खर्चा भी होता है। तो सोचो, जब तुम्हें ऐसा पावरफुल ट्रैक्टर मिले जिसकी मेंटेनेंस पर तुम्हें कम से कम खर्चा करना पड़े और बार बार पार्ट बदलने की नौबत ना आए, जिसका परफॉर्मेंस जबरदस्त हो और जिससे प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाए, इसके बावजूद वो सालों साल बिल्कुल नए जैसा रहे। मतलब पैसे की बचत के साथ साथ मिलता है एक दमदार साथी, मेरा जॉन डियर। मतलब जॉन डियर ट्रैक्टर हमेशा जवान का जवान ही रहता है, दूसरे ट्रैक्टरों की तरह कभी बूढ़ा नहीं होता। एकदम सही बात है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, अब मुझे यकीन हो गया है जॉन डियर अपने कस्टमर्स के सिर्फ आज के बारे में ही नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचता है। जॉन डियर ही है जो निरंतर प्रयत्नशील है किसानों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। नरेश, जॉन डियर से जुड़ोगे तो ये समझोगे कि जॉन डियर निरंतर अपने कस्टमर्स और किसानों के प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। जॉन डियर के नए और एडवांस्ड फीचर्स किसान को भी आधुनिक बिजनेसमैन बनाते हैं। हम सिर्फ किसान नहीं है, हम है एग्रीप्रीन्योर्स। अब जॉन डियर ट्रैक्टर पर तुम्हारी सवारी होगी तो सिर्फ जॉन डियर ट्रैक्टर पर नहीं बल्कि अपने किसान होने पर भी गर्व महसूस होगा। जब जॉन डियर का मिलेगा जिंदगी भर का साथ, तब उन्नति और सफलता थामेगी किसान का हाथ। पता नहीं ये दीपक और सुमन इतने परेशान क्यों हैं? और ये सूरज कहाँ है?